नमस्ते भाई, मैं मिस्टर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल लव यू लाइफ पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो समर की डाइट के ऊपर लेके आऊंगा, तो आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ कि हम अब जो समर सीजन है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, उसमें कौन सी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ट्रीट्स खा सकते हैं, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना बातें किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको वेजिटेबल्स बता देता हूँ। वेजिटेबल्स में आता है पहले धनिया, पुदीना, खीरा, नारी के पत्ते यानी व्हाट स्पिनच, पालक और सलाद पत्ते। तो फ्रेंड्स, ये थी वेजिटेबल्स। अब मैं फ्रूट्स बता देता हूँ। वाटरमेलन, मस्कोमेलन। फ्रेंड्स, जितने भी मैं इस वीडियो में फ्रूट्स, ट्रीट्स, वेजिटेबल्स बताऊंगा, ये सारी जो फ्रूट्स, ट्रीट्स और वेजिटेबल्स हैं वो घर में हमारे अवेलेबल होती हैं, तो हम ये खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने फ्रूट्स बता दिए थे, तो ट्रीट्स में बता देता हूँ आपको। ट्रीट्स में हम ले सकते हैं बनाना, पीस, कैरेट्स और ग्रेप्स। तो ये थी फ्रेंड्स ट्रीट्स, जो कि हम हफ्ते में एक या दो बार ही लेना चाहिए हमें। ज्यादा हमें दो बार लेना चाहिए, नहीं तो हमें एक ही बार लेना चाहिए, नहीं तो ये हमारी हेल्थ को नुकसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जो मेन डाइट है वो है हे एंड ग्रास। जो हे और ग्रास होती है वो तो हमारी मेन डाइट है, वो हमें लेना ही लेना है, और साथ में वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स और ट्रीट्स में बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आप पैलेट्स लो, पैलेट्स नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, आप पैलेट्स की जगह हे खा सकते हो, तो उससे भी आपकी सेहत बनी रहेगी और आप मोटे मोटे रहोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी डाइट, और आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।